आप देख रहे हैं पी न्यूज उत्तर प्रदेश खबरों का बादशाह। जनपद मैनपुरी में कुर्रा गांव मोड़ के समीप लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक सिपाही को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। स्थानीय पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर सिपाही को औरैया जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए आगरा मेडिकल कॉलेज को रेफर कर दिया। आगरा जाते वक्त रास्ते में ही सिपाही ने दम तोड़ दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। जनपद आगरा थाना फतेहपुर सीकरी के ग्राम नूरपुर निवासी रतन सिंह के 25 वर्षीय पुत्र महेश कुमार, जो कि एक आरक्षी सिपाही थे, वे रविवार की दोपहर छुट्टी लेकर चौकी से अपने घर जाने के लिए पल्सर गाड़ी से निकले थे। शाम के वक्त मैनपुरी जनपद के कुर्रा गांव मोड़ समीप लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। महेश कुमार इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। सिपाही महेश कुमार को स्थानीय पुलिस के द्वारा औरैया जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज सैफई रेफर कर दिया गया। सिपाही महेश की हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज आगरा रेफर कर दिया। आगरा ले जाते समय सिपाही ने रास्ते में दम तोड़ दिया। वायरलेस सेट मलवा को जैसे ही घटना की जानकारी हुई, थाना प्रभारी समेत सभी साथियों में खबर सुनते ही शोक की लहर दौड़ गई। आरक्षी महेश 2019 बैच का था और 17 दिसंबर को उसकी मलवा थाने में पोस्टिंग हुई थी। पुलिस इस घटना को लेकर तहरीर के आधार पर अज्ञात वाहन की जांच में जुट गई है। मैनपुरी से ब्यूरो रिपोर्ट, विकास तिवारी।